अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ सैलड जो आप बारबेक्यू के साथ में या तंदूरी चिकन के साथ खा सकते हैं। आप मेरी पहली वीडियो चेक की होगी, इसमें मैंने तंदूरी चिकन बनाई है, उसके साथ में बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत लाइट और काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है। इसके फ्लेवर्स भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। अनियंस आपको चाहिए होगा, क्वान्टिटी आप जितनी ज़्यादा बनाना चाहते हो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर मैं 1 लार्ज अनियन इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने लाइक रिंग की तरह काटा हुआ है, दैट्स राउंड। आपको हाफ आइसबर्ग चाहिए होगा यानी कि लेटस, उसे भी आप चॉप कर लेंगे। यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ कि जो चने हैं ये मैं कैन के इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको आप ड्रेन कर लें और इसे वॉश कर लें। साथ ही यू नीड अ स्मॉल या हाफ कप कर लें या 1 कप कर लें, डिपेंड्स हाउ मच सैलड यू आर मेकिंग। मैं इस वक्त जो बना रही हूँ, मैंने 1 कप ऑफ चिकपीज लिए हुए कैन के, पानी ड्रेन किया, वॉश कर लिया। कॉर्न भी मैंने 1 कप लिया हुआ है, ये भी कैन है, इसका भी पानी ड्रेन किया, वॉश कर लिया, बस 1 कप दे। और ये किडनी बीन्स है, ये भी कैंड है। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, जब सैलड बनता है तो उसके अंदर में ये इसकी अपनी सॉफ्टनेस होती है, अनियंस और लेटस की थोड़ी सी क्रिस्पनेस होती है। तो ये भी 1/2 कप है, वॉश्ड इट, ड्रेन्ड इट। साथ ही आपको चाहिए होगा फ्रेश ऑरेंज जूस, आप कर लें, या तो अगर आपके पास घर में फ्रेश ऑरेंज नहीं है तो आप डब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू नीड 1/2 कप ऑफ दैट। मैंने फ्रेश ऑरेंज को स्क्वीज करके यहाँ पे रखा हुआ है, आपको इसमें इसके थोड़े से पिप्स भी नजर आ रहे होंगे, वो हम बाद में निकाल लेंगे। लेमन जूस आपको चाहिए होगा, फ्रेश इस्तेमाल कर लें, बॉटल इज अप टू यू, आई एम यूजिंग फ्रेश अगेन। अबाउट 2 to 3 tablespoons आपको चाहिए होंगे। ब्लैक पेपर आपको चाहिए होगा 1/2 teaspoon और सॉल्ट आपको चाहिए होगा 1/2 teaspoon। लेकिन याद रखिएगा प्लीज़, सॉल्ट आप सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब आप रेडी होते हैं अपना सैलड सर्व करने के लिए, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो आपकी जितनी भी सब्जियाँ होती हैं उसमें से एक जो वाटर होता है एक्सेसिव वो उसको निकाल देता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी जो सैलड होता है वो बहुत सॉगी बनता है, इट्स नॉट क्रिस्प। तो हम सॉल्ट तब ऐड करेंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने इसको किस तरह, यहाँ पर एक आप बोल लीजिएगा, इसमें कोई इतना इसका टेक्निक्स नहीं है, सिंपली आप अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। सैलड में आपको जो जो सब्जियाँ पसंद हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड कैरेट्स, हमारे घर में बच्चे वगैरह जो हैं उनके लिए जो मैं बना रही हूँ उसके लिए दे डोंट लाइक कैरेट्स एंड ऑल, तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा करना पड़ता है बच्चों के लिए भी खासतौर पर, बट एडल्ट्स हैं आप कैरेट इस्तेमाल करें, क्यूकम्बर्स, व्हाटएवर। अनियंस डालनी है, लेटस, साथ ही ये जो हमारे कैंड की सब्जियां हैं ये हम इसमें ऐड करेंगे। यू ऐड द ऑरेंज जूस, ये आप बना कर रख लीजिएगा, कोई भी दावत वगैरह है, बारबेक्यू कर रहे हैं, बना कर पहले रख लें फ्रिज में, ये बहुत मज़ा आता है जब ये ठंडा ठंडा होता है। तो मैं आप देख लें, यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर वगैरह, ऑरेंज जूस एंड लेमन जूस ऐड किया है। आई एम नॉट एडिंग द सॉल्ट, क्योंकि जब मैं सर्व करूँगी तब मैं उसके अंदर सॉल्ट को ऐड करूँगी, फिलहाल नहीं कर रही हूँ। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, फ्रिज में रखिएगा और तंदूरी चिकन के साथ, बारबेक्यू के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है एंड इट्स वेरी वेरी लाइट एंड टेस्टी। तो ये ज़रा इसको हम फ्रिज में रख लेते हैं एंड देन वील सर्व। अब ये रहा आपका सिंपल बारबेक्यू तंदूरी चिकन, जिसके साथ खाना चाहें यू विल इन्जॉय इट, इट्स वेरी टेस्टी, वेरी लाइट। ये आपके लिए सैलड है जनाब, ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।